हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस आराम कर रहा हूँ। लाउंज में बैठा हूँ। ऑफिस में बहुत काम था, आज थक गया हूँ। आज सारे दिन मुझे मनाने में तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो गई ना? नहीं, ऐसा नहीं, बस अभी आया हूँ ऑफिस से घर। ओ, तुम लेट ऑफिस गए थे ना आज? शायद मम ने दिन की कसर तुमसे देर तक काम लेकर निकाली है। सवेरा प्लीज, तुम अपनी मामा के सामने ये बात मत कर देना। डरते क्यों हो मम से? ऐसा नहीं है यार, बस मैं ये नहीं चाहता हूँ कि उन्हें किसी भी तरह ये लगे कि मेरी मोहब्बत के पीछे कोई लालच है। ऑफिस में मैं उनका एम्प्लॉय हूँ और वो मेरी बॉस, दैट्स इट। तुम्हारी वजह से वो मुझे कोई फेवर्स नहीं, मुझे मंजूर नहीं होगा। मुझे तुम्हारी इस खुददारी की वजह से ही तो मोहब्बत हुई है। अब अगर मम तुम्हारे लिए कुछ कर रही है तो उसे फेवरेटिज्म मत समझो आमिर। सक्सेसफुल लाइफ किसको नहीं चाहिए होती है? मैं अपनी कामयाबी अपनी मोहब्बत पे नहीं, अपने बल पे हासिल करना चाहता हूँ। ऐसी बड़ी बड़ी बातें ना सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं, और किसी की मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुझे अपनी काबिलियत पे भरोसा है और मैं ये करके दिखाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। मुझे यकीन है अपने आप पे। अल्लाह करे तुम्हारे एतमाद की तरह तुम्हारा नसीब भी अच्छा हो। अच्छा ये बताओ, पुप्पो कैसे हैं? उनको बताना मैं मिलने आऊंगी। पुप्पो बिल्कुल ठीक है, एंड यू आर मोर देन वेलकम। ये बंदा भी तुम्हारा है और ये घर भी, तुम जब चाहे आ सकते हो। हाँ, हिलेरियस। सी यू। क्या हो रहा है? भाई, शादी के बाद तो तुमने अपनी लाइफ इतनी बिजी कर ली है, मुझे लग रहा था कि शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारी एक अदद बहन भी है। मुझे तुम्हारी ये अदा पसंद आई है, यानी कि खुद बिजी होकर दूसरे को टाइम नहीं दो और उस पर इल्जाम लगा दो कि वो तुम्हें टाइम नहीं दे रहा। वाह, क्या आमिर से बात हो रही थी? मम ने उसे ऑफिस के कामों में इतना बिजी कर दिया है कि उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अच्छा, ये आमिर ने तुम्हें कहा है? नहीं मार, वो कहाँ कुछ कहता है, वो तो अपने काम को लेकर इतना फोकस्ड है कि उसे फील ही नहीं होता कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। ठीक है, मैं अम्मी से बात करता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं बात करने के लिए, उसने मना किया है। यानी फिर शायद ऐसा ना उसे फील हो रहा हो कि अम्मी ने उसे इसलिए ज्यादा बर्डन दे दिया कि वो तुम्हें अटेंशन ना दे। उसके ये सोचने से पहले मैं उसको पंच करके उसके दांत ना तोड़ दूं। आई नो मॉम काम को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वो तुम्हारी और मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मॉम को लेकर जो भी आमिर की गलत फहमी है ना, बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। वो कैसे, ऐसा क्या होने वाला? आमिर की फूफो मॉम से मिलना चाहती है। जैसे अनाया को पाके तुम्हारे खदशात दूर हो गए, वैसे ही जब हमें इस फैमिली का हिस्सा बनेगा तो उसके भी खदशात दूर हो जाएंगे। इंशाल्लाह। कब आ रहे हो? मम से मैंने बात की थी, वो कह रही हैं आजकल वो बहुत बिजी हैं, और मैं नहीं चाहती कि मामा और फूफो ब्रीफली मिलें। तुम्हें पता है फूफो बहुत अच्छी हैं, मम जब उनसे मिलेंगी ना, शी इज रियली गोना लाइक हर। चलो अच्छा है, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। और सुना, सब ठीक है? ओह गुड, यू टेल मी।